पता है उस्मान, आज का ये जाम तुम्हारे नाम, आज तो तुम हीरो निकले। अरे नहीं नहीं, इसमें हीरो क्या, जो पुलिस भी नहीं कर पाई तुमने वो कर दिखाया। तुमने आयसन और मॉम का झगड़ा रोका, वरना मॉम तो उसकी जान ही ले लेती। तुम्हारे मॉम के हाथ में ना मुझे कुछ लाल बाल भी दिखाई दिए थे, मैं तो बहुत डर गया था सच में। ओह गॉड। एनीवे, चलो फाइनली उन्होंने मान लिया कि तुम और सनी एंगेज्ड हो। मुझे लगा ही था कि कुछ तो गड़बड़ होगी, हम ये नाटक करेंगे और कुछ ना कुछ मुसीबत में फंस जाएंगे, लेकिन ये नहीं सोचा था कि न्यूज़ में भी आ जाएंगे। उस्मान, आई एम रियली वेरी सॉरी। अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड से तुम क्या कहोगे, मुझे बुरा लग रहा है। मेरी गर्लफ्रेंड मतलब? हाँ, वो आई थी ना तुम्हारे शॉप पर, वो ब्लॉन्ड हेयर वाली, वो मैंने उसे देखा था, वो तुम्हारे शॉप पर आई थी, क्या नाम था उसका, आयला। तुम दोनों डेट कर रहे हो? ऐसा नहीं है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं दरअसल किसी को प्यार करता हूँ, पर उसे पता नहीं है ये। तो तुम बता क्यों नहीं देते, तुम कितने हैंडसम हो उस्मान, आई कांट बिलीव इट। जाओ बात करो। मैं करूँगा, बस मैं एक सही समय का इंतजार कर रहा हूँ, फिर मैं उसे बोल दूंगा। हाँ, वो भी तुम्हें प्यार करती है क्या? उम्मीद तो है कि हाँ। फिर तो बहुत अच्छी बात है। भाई मैं आ गई। हाँ, तो ये आइस क्वीन आज यहाँ क्या कर रही है? अयान, आते ही तुम्हारी बकवास सुनने का मेरा कोई भी मूड नहीं है। अयान, और हाँ, वो क्वीन ऑफ आइस होता है। हाँ हाँ, ठीक है। वैसे क्या बातें हो रही थी, कहीं दोनों एक दूसरे से प्यार तो नहीं करने लगे? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और लैला आज यहीं पर रहेगी। अच्छा सुनो, मुझे ये बताओ कि तुम हैकर्स के पास मुझे बिना बताए तुम अकेली कैसे चली गई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मुझे सब बताओ, आखिर तुमने क्या किया? हाँ तो मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ जेजे भी तो था, और मैं तुम्हें हर दो मिनट बाद बाद कॉल कर रही थी। इतना एंग्री यंग ब्रो कब से बन गए तुम, और इसके सामने सारी बातें करना जरूरी है क्या? ठीक है, जाओ और सो जाओ। नहीं अभी नहीं, वैसे भी आज का दिन बहुत ही एडवेंचरस और हैपनिंग था, मुझे ढेर सारी बातें बतानी है। एक मिनट, मैं जाकर स्नैक्स लेकर आती हूँ, फिर बातें करते हैं, ठीक है? मैं अभी आती हूँ। तो मुझे उस लड़की के बारे में बताओ ना। ये क्या, इसके पैर, अरे बाप रे, ओ मेरी पीठ। भाई उठो, ये यहाँ क्यों सो गई, और कल रात घर वापस क्यों नहीं गई, इसे घर भेजो, जाओ उठाओ। तुम पागल हो गई हो क्या, उसे डिस्टर्ब मत करो, आराम से सोने दो उसे। भाई ये आप क्या कह रहे हो, और वो यहाँ सोई क्यों है? हाँ, आपको पता है आज सुबह उठते साथ ही उसका पैर मेरे नाक के पास था। आपको जब पता था कि मैं यहाँ सो गई हूँ, वो यहाँ सो गए हैं, तो आप जाकर उसे मेरे बेडरूम पर सुला सकते थे ना, लेकिन नहीं, आपको तो यहीं रहकर उसे निहारना था, है ना? क्या मैं सही कह रही हूँ ना, मुझे पता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, चली जाऊंगी, ये तो हद हो गई। आप भी कमाल करते हो भाई, इस पर 20 साल से नजर रख रहे हो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आपको याद है ना, हम उस दिन साथ में एक डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे, क्या नाम था उसका, द मोशनलेस एनिमल, जो आधे घंटे में एक कदम बढ़ाते हैं। आप बिल्कुल उस एनिमल की तरह हो, वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, चलो जाने दो। अच्छा, मेरी बहन ने मुझे मैसेज किया है कि उसके कपड़े ले जाने होंगे, तब तक इसे भी उठा देना, वरना ये अपनी ऑफिस मिस कर देगी आज। और हो सकता है कि वो हमें ब्लेम करे, कुछ कह नहीं सकते। हाँ, आई होप कि ये अपना ध्यान रखेगी। ओ गॉड, इसकी मॉम को पता नहीं चलना चाहिए, जब से ये लड़की यहाँ आई है इस घर के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ही बदल गए हैं।